समाज का एक खिलौना रूप शिक्षा प्रद कहानी। आज ऑफिस से घर लौटते समय रास्ते में एक जगह भीड़ दिखी तो मैं रुक गया और देखने चला गया कि क्या चल रहा है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि सड़क पर कहीं भीड़ या एक्सीडेंट दिख जाए तो एक बार रुककर जानकारी जरूर ले, हो सकता है कोई जान पहचान वाला मुसीबत में हो। थोड़ा आगे जाकर देखा तो एक बाइकर कार से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कार को बस थोड़ी सी खरोच ही आई थी। कार वाले तीन लोग बाइक वाले को मारने पर तुले हुए थे, जो दिखने में तो अमीर घराने के लग रहे थे लेकिन हरकतों से बिल्कुल जाहिल, और उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। जिस बाइक वाले को वे मार रहे थे उसके साथ दो छोटे बच्चे भी थे जो रोते हुए कांपती आवाज में कह रहे थे, हमारे पापा को मत मारो, हमारे पापा को मत मारो। बीच में कुछ लोग थे जो लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बावजूद इसके उन तीन लोगों में से कोई ना कोई आगे बढ़कर उस आदमी को मारने में सफल हो ही जाता। मुझे तो उन कार वालों का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें ऐसा कौन सा गुस्सा था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि कार का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, थोड़ी सी खरोच ही आई थी। मामले को बातों से भी सुलझाया जा सकता था, इसमें लड़ने झगड़ने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या करें, अमीर अपनी अमीरी से जाते ही नहीं और गरीबों को नीचा दिखाने और अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अमीर होते हुए भी वे लोग कितने जाहिल नजर आ रहे थे, जिनको इतनी भी तमीज नहीं थी कि अगर बाप गलत हो तो भी उसके बच्चों के सामने उसे नहीं मारना चाहिए। रोते बच्चों का हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा था। खैर, भीड़ में से कुछ लोग झगड़ा तोड़ने में सफल हो गए और कार वालों को समझा बुझाकर कुछ पैसे दिलवाकर मामले को ठंडा कर दिया, लेकिन उन मासूम बच्चों का रोना और कपकपाहट अभी भी जारी थी जो अपने पिता से लिपटे हुए थे। हम ये कैसे समाज का हिस्सा है जिसमें न तमीज है न एहसास है कि बच्चों की नजरों में उनके पिता का क्या मान होता है। यदि हम पिता को उसके बच्चों के सामने अपमानित करते हैं तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अकल पर अहंकार के पर्दे पड़े हुए हैं और जो अपने से छोटे लोगों को अपमानित करने और सताने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जो जानते ही नहीं कि समय एक जैसा नहीं रहता, आज रस्सी उनके हाथ में है तो कल किसी और के हाथ में भी हो सकती है, आज जो राजा है कल वो रंक भी हो सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।